हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स। और ट्रैवलिंग रिचुअल्स में पुणे में आज मेरा फोर्थ डे है। कल तो हम लोग कहीं नहीं गए थे, आज हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग से 5 बजे से हमने अपना दिन स्टार्ट किया है और आज हम जा रहे हैं पुणे से काशिद बीच देखने के लिए। रास्ते में खूबसूरत सा मुंबई पुणे हाईवे आया था। और अभी मुंबई पुणे हाईवे हमने छोड़ दिया है और काशिद बीच के लिए ये एक कट आया है। बहुत सुंदर सा ये भी रास्ता है। कैसा लग रहा है रिचु? अच्छा लग रहा है। ये जो रास्ते हैं ना, बहुत ही सुंदर रास्ते आए और आपका सफर ना और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है अगर रास्ते सुंदर से चल रहे होंगे। और अभी भी हमें काशिद पहुंचने में तकरीबन अभी भी 2 घंटे लगने वाले हैं। सुबह हमने 5:15 बजे से स्टार्ट किया था, 7 बज चुके हैं, तो अराउंड 9 बजे तक हम काशिद बीच पहुंचने वाले हैं। और मैं इतने धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं। तो फाइनली हम लोग काशिद बीच के पास पहुंच गए हैं। पुणे से यहाँ काशिद बीच तक आने में हमें लगभग 5 घंटे लगे हैं। अभी भी जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है काशिद बीच। और सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या है, काशिद बीच पहुंचने से 14 किलोमीटर पहले से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आपके एक साइड पे पहाड़ है और एक साइड पे समुद्र है। बहुत ही अच्छा सा रास्ता देखने के लिए मिलता है। अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खूबसूरत नहीं बोलना है, नहीं तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता देखने के लिए मिलता है। और अभी हम लोग काशिद बीच जा रहे हैं, उससे पहले हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं जहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह कुछ खा के नहीं चले थे। और क्योंकि ये कोंकण क्षेत्र है तो यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट तो मिलना शायद मुश्किल है। तो जहाँ वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें मिल रही हैं वहाँ हम लोग रुके हैं और हमने मिसल पाव, उसल पाव, कांदा भजिया ये सब ऑर्डर किया है। और फिर आगे हम लोग काशिद बीच के लिए जाने वाले हैं। फाइनली काशिद बीच पर आ चुके हैं और अभी मैं आपको समुंदर दिखाने वाली हूँ। मैंने बोला था तुझे पहुंच जा उधर। कर रहे हैं पत्थरों के ऊपर, लेके चलती हूँ। और कितना दूर आ गए हम लोग चलते चलते। और पैरों में मेरे स्लीपर्स हैं, शूज भी नहीं है। वो स्लीपर्स पहन के यहाँ तक आना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर क्योंकि मैं शूज पहन के तो चल ही नहीं सकती ना, इसलिए मैं स्लीपर्स ही प्रिफर कर रही हूँ। ये दोनों शूज पहन के आए हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग हैं यहाँ काशिद बीच पर। बीच से ऊपर थोड़ी दूर तकरीबन 1/2 किलोमीटर एक साइड में चलने पे हमें ये पत्थर दिखाई दे रहे थे। इन पत्थरों पे ऊपर चढ़ के हम आए हैं और यहाँ आके जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। जो हमें नीचे से बीच दिखाई दे रहा था, ऊपर आकर वो बहुत ही खूबसूरत समुंदर दिखाई देता है। बीच के अपने अलग मज़े हैं और यहाँ खड़े होकर समुंदर देखने का अपना अलग ही एक मज़ा है।
तो आप लोग भी अगर काशी बीच आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे क्या लगा कि एक तरफ तो समुंदर है, आप इधर देखिए मेरे, वहाँ वो दूर तक समुंदर दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैं टर्न करती हूँ तो वहाँ वो पहाड़ है, और ग्रीन कलर का एकदम पहाड़ है, और उस पे ऊपर ना नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, यहाँ लोग फिशिंग कर रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, यहाँ पे दो चार ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, और ये अपनी स्कूटी लेके आए हैं और यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। और काशी बीच की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे यही लगी कि यहाँ आप पहाड़ के साथ समुंदर देख रहे हो, मतलब या तो आपको पहाड़ पसंद होता है या तो आपको समुंदर पसंद होता है, और अगर आपको दोनों चीज़ें पसंद है, पहाड़ भी पसंद है समुंदर भी पसंद है, तो मुझे यहाँ आकर वो दोनों मिल रही हैं, क्योंकि मैं माउंटेन पर्सन हूँ, मुझे माउंटेन्स ज़्यादा पसंद है। यहाँ आकर जब मुझे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जा रही हूँ। ये देखो, ये मेरे पीछे उधर तक वहाँ तक सब पहाड़ हैं, और ये मरीन ड्राइव वाले पत्थर यहाँ ला के रखे गए होंगे, इधर भी इधर भी। काशी बीच पुणे से तो काफ़ी नज़दीक है, हमें अराउंड चार ही घंटे लगने थे, पाँच घंटे तो ऐसे ही लगे क्योंकि थोड़ा सा रास्ता हम भटक गए थे। चार घंटे में आप पुणे से यहाँ आ सकते हैं, और एक दिन काफ़ी है इस बीच पे घूमने के लिए, अगर आप स्पेशली सिर्फ इस बीच पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो। जैसे कि हम अभी कोंकण में हैं, तो हमने ये कोंकणी थाली मंगाया है, इसमें पनीर की सब्जी है, और ये शायद आलू मटर है, और ये दाल है, और ये सोल कढ़ी है, और खाना कुछ तो डिफरेंट है अपने वाले खाने से। अब तू बता भाई, खाना बहुत ही टेस्टी है एकदम, एक ऑथेंटिक थाली जो होती है वो उन्हें प्रोवाइड किया गया है। सोल कढ़ी पहली बार, ये टेस्टी है, ये तो गजब है। आ जाओ अब खाना खा लो। अभी हम लोग ना काशीद बीच देख के आए, फिर हमने कोंकणी वेजिटेरियन थाली खाई, फिर हमने सोचा कि अभी डायरेक्ट पुणे जाके अब क्या करेंगे, क्यों ना कुछ और एक्सप्लोर करें। तो उस चक्कर में हम जहाँ हमारा रेस्टोरेंट था वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक किला, जिसको ये लोग किला बोलते हैं, एक किला हमें पता चला। किला तो नहीं, हमें एक किला तो नहीं लिखा हुआ है इसके बाहर, इसके बाहर लिखा हुआ है सतखानी बुरुज। तो ये सतखानी बुरुज हम देखने आए हैं, कोई पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है, किले जैसी इसकी दीवारें हैं, अभी देखते हैं फिर पता करके बताते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। और इसके बराबर में ही समुंदर भी बह रहा है, तो यहाँ से समुद्र का व्यू भी बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला है। तो अभी चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, फिर आके बताती हूँ मैं क्या है। मेरे दिमाग में सर ये दीवार ना ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर कारपेट लगाया हुआ है ग्रीन कलर का। कितनी सुंदर दीवार है। उफ़ो। जब आप घूमते हो ना, तो घूमते घूमते ज़िंदगी आपको ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ आप जाने की सोच भी नहीं रहे थे, जैसे कि रेवा डांडा किला। यहाँ रेवे डांडा किला आने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे कि चलो एक और जगह से समुंदर देख लेंगे। पर जब यहाँ आए, यहाँ आकर इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, तो पता चला ये तो भैया पुण्य भूमि है।
निर्माण तो हालांकि इसका 1524 में पुर्तगालियों ने कराया था, क्योंकि कोंकण क्षेत्र का जितना भी ये समुद्री इलाका था सब पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद शाहजी महाराज ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो शिवाजी महाराज थे, जो शाहजी महाराज के पुत्र थे और जो मराठा सम्राट थे, उन्होंने अपने साम्राज्य की नेवी की स्थापना, जो उनकी नेवी थी उसकी स्थापना यहीं से की थी, और यहीं पे उन्होंने मुगलों को पराजित करने की अपनी प्लानिंग स्टार्ट की थी। तो सोचिए कितनी पुण्य भूमि रही होगी जहाँ जाने का मौका हमें मिला। जब हम काशी बीच पे गए थे वहाँ थोड़ी सी गंदगी हमें दिखाई दे रही थी, पर यहाँ तो एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे किसी ने झाड़ू पोछा किया हुआ है। इतना साफ सा बीच दिखाई दे रहा है इस किले से, अमेजिंग। और साथ में ये नारियल के पेड़, नीला आसमान और ये किला, ब्यूटीफुल। यहाँ से इस किले से समुद्र हम देख रहे हैं और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे सूरज आया हुआ है ना, तो उसकी वजह से ना शाइनी वाटर लग रहा है एकदम। यहाँ आने के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना है, अगर आप काशिद बीच आ रहे हो तो अलीबाग मुरूड वाला जो रोड है वो यहीं से होकर गुजरता है, आप यहाँ इजीली आ सकते हो। ये रेवेडांडा किला बीच पे हूँ मैं, और अगर एक मैं सच्ची वाली बात बताऊँ ना, तो काशिद बीच से ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पीछे ये पूरा आप देख सकते हो, ये किला है और सामने समुद्र है। अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। और हम तो यहाँ आने भी नहीं वाले थे, अचानक से ऐसे ही हम आ गए, और अभी जो देख रहे हैं ना, यहाँ से समुद्र भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि काशिद बीच जो है वो कमर्शलाइज बीच है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और ये एकदम रो है, रो ब्यूटी। अगर आपको देखना है ना तो यहाँ रेवेडांडा फोर्ट पे आओ और उससे नीचे आके इस बीच को देखो, अमेजिंग है, अमेजिंग। अलीबाग की यात्रा सफल यहाँ आके, यहाँ आके सच में यहाँ आके अलीबाग की यात्रा सफल। अब तक तो ऐसे लग था, तो काशिद बीच भी काफी सुंदर है, अच्छा लग रहा था, पर यहाँ आके तो जो समुद्र, वहां दूर अनंत तक मुझे समुद्र दिखाई दे रहा है, और साथ में ये जो किला है ना, इसमें चार चांद लगा रहा है। और किले की हिस्ट्री तो मैंने आपको बताई कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब आप देखिए ये व्यूज। हम लोग अब वापस जा रहे हैं पुणे, और आज का दिन अमेजिंग रहा, बहुत मज़ा आया। हालांकि थोड़ी सी मुझे थकान अब आके लग रही है, क्योंकि वहाँ बीच पे भी ना हम ऐसा चले होंगे 3 किलोमीटर तो कम से कम चले हम लोग, और पहली वाली वो पुणे वाली भी पार्वती हिल्स वाली थकान थी। और अब हम वापस जा रहे हैं, 9:10 बज जाएंगे हमें पुणे पहुँचते कम से कम। और दिन बहुत बढ़िया रहा हमारा, बढ़िया मेरा तो मतलब वो गोवा वाला सारा कीड़े खत्म हुए मेरे मैं तो खुश हूँ। अब अगले 2 दिन में रेस्ट करने वाली हूँ, उसके बाद हम औरंगाबाद और नासिक जाएंगे।